श्याम बाबा की बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें भजन मंत्र शक्ति यूट्यूब चैनल को। आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, आज हम बात करेंगे बाबा श्याम से हम लिखकर अरदास कैसे लगाएंगे। आप सभी श्याम प्रेमियों से एक ही प्रार्थना है कि इस वीडियो के साथ बने रहिए। बाबा श्याम से आज हम अरदास लगाएंगे, बाबा श्याम से हम अर्जी लगाएंगे। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी है, किसी भी तरह से कठिनाई बनी हुई है और आप हार चुके हैं, टूट चुके हैं, तो बाबा श्याम से किस तरह से अरदास लगाएं ताकि आपकी अरदास बाबा श्याम तक पहुंच सके, बाबा श्याम के समक्ष आपकी अरदास पढ़ी जा सके, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो परंतु अरदास लगाने से पहले हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो चीजें मैं आपको पहले बता दूं, उसके बाद बाबा श्याम से अरदास कैसे लगाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए इस तरह का एक नारियल। ये सूखा नारियल है, मैं दिखा देता हूं आपको। इस तरह का नारियल आपके पास होना चाहिए। मैंने नारियल को चुन्नी में लपेटा हुआ है। ये नारियल है, जो ये सूखा नारियल है, तो सूखा नारियल आपके पास होना चाहिए इस तरह से। इसके ऊपर ये जटा होना चाहिए इस तरह से, क्योंकि हम बाबा श्याम को अरदास लगाएंगे तो इस तरह का नारियल हमारे पास ज्यादा जरूरी है। इसमें नारियल पानी वाला भी आता है। अगर आप पानी वाला सूखा नारियल ना मिल रहा हो इस तरह का, तो इसी नारियल को आप कई दिनों तक अपने मंदिर में या किसी ऐसी जगह रख देंगे तो ये अपने आप सूख के इसका पानी समाप्त हो जाएगा और इसमें जो रहेगा ये सूखा नारियल हो जाएगा। सूखे नारियल से बाबा श्याम को हम अरदास लगाते हैं। तो आज हम सूखे नारियल को अरदास लगाने के लिए क्या करेंगे, ये नारियल तो हमने ले लिया, इसके साथ साथ हमें चाहिए एक टाइप की मौली। जो मौली होगी वो मौली हम नारियल में जो अरदास लगाएंगे बाबा श्याम को, तो वो मौली को इस अरदास के साथ हम बांधेंगे, इसलिए हमारे साथ ये मौली चाहिए। मौली के साथ साथ हमें चाहिए इस टाइप का एक कपड़ा। ये कपड़ा है, ये 1.25 मीटर का कपड़ा होता है, अरदास वाला जो कपड़ा होता है, लाल कपड़ा होता है इस तरह से। ये लाल कपड़ा आपके पास होना चाहिए, इस टाइप का कपड़ा हो। इसके अंदर हम बाबा श्याम को जब नारियल से अरदास लिखने के बाद नारियल में उस अरदास को बांधेंगे। बांधने के बाद इस कपड़े में लपेट कर इसको बांध के किसी मंदिर में जाके हम रखेंगे, उसके लिए ये कपड़ा लिया जाता है। अगर आपके पास ये कपड़ा नहीं है तो आपको बता दूं, एक गमछा जो आता है, गमछा लाल कलर का होता है, वो भी करीब करीब 1.25 मीटर का ही गमछा होता है। तो आप चाहे तो उस गमछे को एक लाल गमछा खरीदिएगा, उस पर लाल डिजाइन होनी चाहिए, या कोई भी उस टाइप का जो शुद्ध होता है, कॉटन का होता है, वो कपड़ा लेकर आप नारियल के ऊपर स्थापित कर सकते हैं, नारियल में बांध सकते हैं और पुजारी जी महाराज को जाके दे सकते हैं। उसके साथ लिखने वाली अरदास की बात कर रहे हैं आज, तो लिखने वाली अरदास के साथ एक हमारे पास होनी चाहिए इस टाइप की कॉपी। ये कॉपी है मेरे पास, इसमें से एक पेज लूंगा, बिल्कुल नई कॉपी है ये, मैंने अरदास के लिए स्पेशली खरीदी है। तो अरदास के लिए स्पेशली ये कॉपी मैंने खरीदी है। तो इसमें क्या है, ये 5 रुपए की कॉपी है, इसमें करीब करीब 10-12 पेज हैं, तो मुझे एक ही पेज की जरूरत पड़ेगी। एक पेज में मैं अरदास लिखूंगा बाबा श्याम को, अपनी बातें लिखूंगा, और अरदास जब हम लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे उसके बारे में भी बात करूंगा। और इसके साथ साथ हमें चाहिए ये पेन, ये लाल पेन है। ये लाल पेन आप जब दुकान से खरीदने जाओगे तो दुकानदार क्या करता है, लाल पेन को खोलता है और इस तरह से चेक करता है, देखता है कि ये पेन चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये जो होती है इसके ऊपर एक निकल वो लगी रहती है, स्ट्रैप। आजकल तो खैर किसी किसी पेन में होता है, किसी किसी पेन में नहीं होता है। तो आपको ये जो पेन खरीदोगे, लाल पेन 5 रुपए की पेन आती है, खरीदने के बाद आप दुकानदार से उसको ये मत ना बोलिए कि वो चला के देखें, चलाना नहीं है इस पेन को, चुपचाप खरीद लेना है। बाबा श्याम का नाम लोगे तो ये पेन अपने आप, जब आप अरदास लिखोगे तब चली ही जाएगी। उसके बाद इस पेन को लेके आपको अपने घर आ जाना है। आपको अरदास कैसे लिखनी है, कॉपी लेना है, पेन लेना है, और इसके साथ साथ आपको 11 रुपए, एक 10 का नोट और 1 रुपए का सिक्का, ये आपको अपने अरदास के साथ रखनी है। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे, ये सारी चीजें हैं। अब इनको कैसे क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए,
तो सबसे पहले हम अरदास लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अरदास लिखते हैं बाबा श्याम को। ध्यान रहे, जब आप अरदास लिखोगे बाबा श्याम को तो अरदास जो होनी चाहिए उसमें कोई भी आप इस तरह की बातें नहीं लिखोगे कि बाबा श्याम मैं बहुत परेशान हूँ, मैं वहाँ नहीं जा पा रही हूँ, मैं आपके दरबार नहीं आ पा रही हूँ। इस तरह से कोई नेगेटिव सेंस आपको नहीं लिखना है अरदास लिखने में। अरदास आपको इस तरह से लिखना है, जैसे देखिए बाबा श्याम तक आपको अपनी अर्जी पहुंचानी है, अरदास पहुंचानी है। बाबा श्याम आपके दिलों की बात पूरी तरह से जानते हैं। देखिए आप इंसान हैं, हम इंसान हैं, हम लोग इंसान हैं, मानव स्वरूप है, वो भगवान है, भगवान सब कुछ जानते हैं। परंतु भगवान को हम एक पत्र लिख रहे हैं, एक चिट्ठी लिख रहे हैं, जिसमें हम भगवान को अपनी जो भाव है हमारे, वो भाव से हम बाबा को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अरदास का मतलब ये होता है, हमारे अंदर की जो इच्छा है, हमारे अंदर जो व्यथा है, हमारे अंदर जो दुख है, उस दुख को एक लाइन में लिखना है आपको। इस तरह से बनाइए कि उसमें ना शब्द का प्रयोग ना आए, नहीं शब्द का प्रयोग ना आए, नेगेटिव वाला कोई वर्ड नहीं आना चाहिए, नेगेटिव वाला कोई ऐसा वर्ड ना आए जिससे आपकी अरदास बाबा श्याम तक स्वीकार ना हो। तो हम अरदास लिखते समय बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। एक लाइन में मैं आपको बता देता हूँ, ये जो नई कॉपी है इसका एक पेज आप ले लेंगे। पेज लिखने के बाद, पेज लेने के बाद यहाँ पे बाबा श्याम को लिखेंगे, इस तरह से बाबा श्याम को अपना अरदास लिख लेंगे। तो इस तरह से आपको अपनी अरदास लिख लेनी है बाबा श्याम के नाम। देखिए मैंने अपनी अरदास लिख ली है ये कॉपी में, इस तरह से। तो अरदास मैंने लिख ली है। अब इस अरदास को मैं इस पेज को यहाँ से निकाल दूंगा। निकालने के बाद इस अरदास को आपको क्या करना है, मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद इसमें आपको जो दक्षिणा है, 11 रुपए की जो दक्षिणा है, वो आपको 10 रुपए का नोट इसी अरदास में रख के, इस अरदास के साथ आपको अंदर डाल के नारियल के में इस तरह से लपेटना है आपको। देखिए अपना अरदास जो ये सूखा नारियल है, इसके अंदर अरदास को कैसे बांधना है वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको इस तरह से पेज निकाल लेना है। आप लोग अपनी अपनी अरदास लगाते जाइए बाबा श्याम के नाम, ताकि बाबा श्याम तक आपको आपकी अरदास पहुंच सके और बाबा श्याम की असीम कृपा आपके ऊपर बन सके। तो मैंने अपनी अरदास ले ली है, लिख ली है। अब इस अरदास को मैं क्या करूंगा, मैंने जो अरदास लिखी है वो छोटी सी अरदास है, छोटी सी नहीं है, मतलब अरदास इस तरह से लिखी है ताकि बाबा श्याम तक मेरी बात एक लाइन में ही पहुंच जाए। और मैंने कोई नकारात्मक संदेश नहीं लिखा है कि बाबा मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, इस तरह की मैंने कोई बात नहीं लिखी है। मैंने ऐसी बातें लिखी है ताकि बाबा को मेरी भाव बाबा तक पहुंच जाए। मेरा जो भी भाव है, जो भी मेरा इच्छा है, बाबा श्याम तक पहुंच जाए। वैसे बाबा श्याम तो सभी जानते ही हैं कि किसकी क्या इच्छा होती है। अब मैंने ये लिख ली है, अब मुझे ऐसा अरदास को छोड़ूंगा और इसके अंदर आपको जो भी दक्षिणा रखनी है तो आपको इस तरह से अपनी अरदास लिख लेनी है। अरदास को लिखने के बाद इसको इस तरह से आप बंद कर देंगे। बंद करने के बाद, बंद करने का मतलब ये है कि अरदास को अपनी इस तरह से पर्ची को फोल्ड कर देंगे एकदम इस तरह से। हमने अपनी अरदास लिखी है और जो हमारे पास नोट है या हमारे पास कोई भी सिक्का है 10 रुपए का या 1 रुपए का, जो भी सिक्का है, इसी अरदास रूपी में हम इस तरह से रख देंगे। देखिए इस तरह से मैंने रख दिया है। अब इस तरह से रखने के बाद ये 1 रुपए का सिक्का, ये भी मैंने इस कागज के अंदर रख दिया, जो फोल्ड किया मैंने, इसी फोल्ड के अंदर मैंने घुसा दिया है। और उसके बाद फिर क्या करना है, ये जो नारियल लेना है, नारियल के ऊपर रख के, अगर मान लीजिए आप लाल कपड़ा के बिना ही, आप लाल कपड़ा अगर आपके पास नहीं है या कहीं से अरेंज नहीं हो पाया, तो आप डायरेक्ट क्या है, अपनी अरदास इस तरह से नारियल पे रख के इसमें दक्षिणा दे के और इस तरह से आप इसको, अब आप देखेंगे कि हमने ये नारियल और इसके साथ ये अरदास,
ये हमने ले लिए, ये नारियल और ये अरदास दोनों एक साथ हमने रख ली है, और इसके साथ हम अब क्या करेंगे, ये मौली लेंगे, ये मौली को हम इसके ऊपर बांधेंगे। हमें इस तरह से बांधना है ताकि हमारी दक्षिणा इसके अंदर है, अरदास के अंदर है, और ये वाला जो है नारियल, इस नारियल को हमको इस तरह से बांधना है ताकि ये पूरी तरह से बंध जाए। तो देखिए ऐसे करके हमें मौली को नारियल पे बांध लेना है, अपने अरदास को इस तरह से। तो ये हमने अपनी अरदास को बांध ली है इस तरह से, ये अरदास हमारी, तो यहाँ पे आप गांठ लगा दीजिए इस तरह से। देखिए ये हमने अपनी अरदास और नारियल, ये हमने अपनी अरदास और नारियल को इस तरह से बांध लिया है। ये देखिए ये हमारी अरदास है और ये नारियल है, और आप चाहे तो इसको कपड़े में लपेट करके भी इसको मंदिर में दे सकते हैं। अगर आपको कपड़े में नहीं लपेटना है तो आपको सिर्फ नारियल, मौली और आपकी अरदास, और इसके अंदर जो दक्षिणा रखी है मैंने 11 रुपए की, आपकी श्रद्धा है, आप 21 रुपए की लगा सकते हो, 51 की लगा सकते हो, आपके ऊपर है कि आप अपनी अरदास कितनी लगा। तो ये अरदास मैंने ले ली है। अब इसको क्या करना है, अगर आप खाटू धाम नहीं जाते हो या किसी श्याम मंदिर में नहीं जा पा रहे हो अभी फिलहाल के लिए, तो अपने घर के मंदिर यानी श्याम मंदिर जहाँ आपके घर में विराजते हैं श्याम बाबा, वहां जाकर इस अरदास रूपी नारियल को आप रख दीजिए, बांध दीजिए, और जब भी आप खाटू धाम जाएं या श्याम बाबा के मंदिर जाएं तो इस अरदास रूपी नारियल को इसी तरह से आप देखिए बांध के, और बाबा श्याम के नाम का ये अरदास है, इस तरह से जाके उस अरदास को आप बांध दीजिए। बाबा श्याम आपके ऊपर ऐसी असीम कृपा करेंगे और जो भी आपकी मनोकामना होगी वो इस नारियल रूपी अरदास से आपकी जल्द पूर्ण होती है, क्योंकि जो नारियल का फल होता है बहुत ही पवित्र फल होता है। और आप जब भी देखते होंगे माता रानी का जगरात्रा आता है या कोई भी ऐसी शुभ घड़ी आती है तो नारियल को का उपयोग हर जगह बढ़ जाता है, हर जगह ये डिमांडेड रहता है। तो बाबा श्याम को हम ये फल अर्पण कर रहे हैं, ये सूखा नारियल है, सूखा मेवा है, और बाबा श्याम को तो मेवा का भोग लगता ही लगता है। अब हम इसको अपने घर में तो जब तक रखेंगे सो रखेंगे ही, अगर मान लीजिए आप घर में ही अरदास लगा के रखना चाहते हैं घर में भी बांध सकते हैं, परंतु जब श्याम बाबा के मंदिर में आप जाके कहीं इनको अर्पण कर दोगे, मान लीजिए आपको ये कहीं बांधने का मौका ना मिला, तो वहां जाके किसी जगह मंदिर में आप जाके इस नारियल को अर्पण कर सकते हैं या किसी पुजारी जी महाराज को दे सकते हैं। जब पुजारी जी महाराज आपका ये नारियल लेंगे, अरदास लेंगे, तो इसके अंदर जो अरदास लिखी हुई है ये अरदास पुजारी जी महाराज खोलेंगे और इसमें जो दक्षिणा होगी वो दक्षिणा जी पुजारी जी महाराज के पास जाएगी, अपने पास रखेंगे दक्षिणा, और उसके बाद बाबा श्याम को आपके नाम का अरदास पढ़ेंगे। वो पढ़ेंगे जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है, अगर जिसने भी पढ़ा, पुजारी जी महाराज ने पढ़ा या जिसने भी पढ़ा आपका ये अरदास खोल के, सो ही बाबा श्याम तक आपकी अरदास पहुंच जाएगी। किसी इंसान ने भी आपकी अरदास को पढ़ ली तो बाबा श्याम तक आपकी अरदास पहुंच जाएगी। आपका सिर्फ काम है इस नारियल को उचित स्थान पर, उचित जगह पर रख के आना। ऐसा नहीं है कि अरदास पहुंचानी है तो हम नारियल को कहीं ऐसी ऐसी जगह में जाके रख दें। इसे अरदास रूपी नारियल है, हमें अपने माथे से लगा लेना इस तरह से, और हमें बाबा श्याम से प्रार्थना करनी है। बाबा श्याम आप जो हो रहा है आपकी कृपा से हो रहा है, हम आपकी शरण में हैं बाबा, ये मैं अपने भाव बोल रहा हूँ, आप अपने भाव, अपने जैसे आपका भाव होगा उस भाव की तरह से बोलना है आपको, तो बाबा श्याम से बोलना है, बाबा श्याम मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं मेरे पास कुछ नहीं है बाबा आपको इसके अलावा देने के लिए, मेरी अरदास को स्वीकार करो बाबा श्याम, आप तो सब जानते हो मेरे साथ क्या दिक्कत है, सब कुछ आपको पता है बाबा, मैं तो कुछ आपसे नहीं बोल रहा हूँ बाबा, बस आप सब जानते हो, बस अपने इस लाडले पुत्र को अपनी शरण में रखना, अपने इस लाडले सोनू पुत्र को
अपनी शरण में रखना और सदा मेरे साथ रहना बाबा। बस इस अरदास को स्वीकार कर लो बाबा। दया करो बाबा, हमारी बिगड़ी बना दो। कोई भी तकलीफ हो बाबा, बस हमारे साथ हमेशा रहना, हमेशा बने रहना बाबा। बस आपकी कृपा हो, मुझ अज्ञानी या पापी से कोई भूल या त्रुटि हो गई हो बाबा, अपना बालक समझ के क्षमा कर देना बाबा। अनजाने ने किसी का दिल दुखाया हो बाबा, क्षमा करना श्याम बाबा। मैं इसी बाबा बस अपनी पुत्र की इस विनती को स्वीकार करना बाबा, और इस तरह से इस अरदास रूपी नारियल को आप अपने घर के मंदिर में बांध दीजिए, और जब भी आप खाटू धाम जाएं, खाटू श्याम बाबा के मंदिर जब जाएं, तब इस नारियल को अपने साथ लेकर जाएं और वहां किसी पुजारी जी महाराज को ये नारियल अर्पण कर दीजिए। अब बात आती है लाल कपड़े की। हमने जो आपको अभी दिखाई है, हमने तो आपको अरदास में बताई है कि लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़ा जो 1.25 मीटर का लाल कपड़ा ये होता है, ये कपड़ा आपको अपने साथ चाहे तो अलग से इस नारियल के ऊपर, जैसे बहुत सारे लोग अरदास लगाते हैं तो हमने तो मौली बांध दी है, बहुत सारे लोग इसमें नारियल में ऐसे कपड़ा बांध के ऐसे करके आप ये पुजारी जी महाराज को हाथ में दे सकते हैं, अलग से दे सकते हैं। तो पुजारी जी महाराज देखिए, इस जो आप देंगे साफा देंगे या जो ये गमछी टाइप, गमछा टाइप का होता है, गमछा टाइप का भी आता है इस टाइप का कपड़ा, अगर वो देंगे तो वो उनके काम में आ जाएगा, यूज में आ जाएगा। और इस तरह का अगर लाल कपड़ा देते हैं तो लाल कपड़े के भी काफ़ी यूजेस होते हैं अपने अपने, तो चाहे तो उनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये लाल कपड़ा है, लाल कपड़ा बहुत देना बहुत शुभ माना जाता है। तो लाल कपड़े में आप गमछा साफा या जो भी है उस तरह से आप ऐसे लपेट के पुजारी जी महाराज को दे सकते हैं। अगर कोई भी पुजारी जी महाराज लेने से मना करता है कि नहीं ये सब क्या लपेट के ले आए हो, तो देखिए बुरा मानने की बात नहीं है। इंसान के रूप में कोई इंसान तो भगवान नहीं बन सकता, इंसान तो इंसान ही होता है। अगर कोई मना करे तो आपको करना क्या है, सिर्फ ये कपड़ा हटा देना है, ये कपड़ा वहाँ से लीजिए और किसी गरीब को आप ये कपड़ा भेंट में दीजिए जिसको ज़रूरत है, किसी जिसको ज़रूरत है उसको आप ये दे के कपड़ा, और ये वाला जो नारियल बचेगा इस अरदास रूपी नारियल को आप वहीं पे अर्पण कर दीजिए, बाबा श्याम के मंदिर में जाके इसको बांध दीजिए। वस्त्र जो था आपका अरदास के साथ, ये वस्त्र आपने किसी गरीब को दान कर दिया जो वो यूज़ कर रहा है, काम में ले रहा है। आप गमछा 1.25 मीटर का जो गमछा होता है या ऐसा कपड़ा अगर देंगे जो किसी के मतलब का होगा, यूज़ का होगा, तो वो यूज़ करेगा। मतलब किसी गरीब और निर्धन को आपने वो साफा या कपड़ा दिया है तो बाबा श्याम को वो अर्पण होता है, बाबा श्याम को भेंट होता है। जिस तरह से बाबा श्याम को वस्त्र अर्पण किया जाता है, बाबा श्याम अपने वस्त्र हर दिन बदलते हैं, नए वस्त्र जिस दिन पहनते हैं, तो बाबा श्याम का, बाबा श्याम को आपके नाम का एक वस्त्र भेंट हो जाएगा। और ये बाबा श्याम का जो नारियल रूपी अरदास है ये तो आपके पास है, और इस नारियल रूपी अरदास को आप चाहे तो पुजारी जी महाराज को दे दीजिए, या वही मंदिर में किसी प्रांगण में ऐसी जगह बांध दीजिए। आप जो इसके अंदर जो ये अरदास लिखी हुई है इसकी चिंता आप ना करें, ये बाबा श्याम तक पहुंच गई आपकी बात, बाबा श्याम तक आपकी अर्जी पहुंच गई। बस बाबा श्याम से अर्जी लगाते रहिए, बाबा श्याम से बस विनती करते रहिए, आप सभी श्याम प्रेमियों की मन्नत जल्द पूरी हो जाएगी। बाबा श्याम से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे हम भूलवश अज्ञानवश बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, त्रुटि कर देते हैं, तो ऐसी त्रुटियों से हमें बचना चाहिए। उसके लिए आप भजन मंत्र की काफ़ी सारी बाबा श्याम से जुड़ी हुई बातें हैं जो आप भजन मंत्र शक्ति के इस चैनल पर आकर देख सकते हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, अगर इस वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया है तो इस वीडियो के बारे में दूसरों को बताइए, दूसरे श्याम प्रेमियों को बताइए कि बाबा श्याम से अरदास कैसे लगानी चाहिए, कैसे उनसे विनती करनी चाहिए, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। सभी अपने भाव में ही विनती करेंगे, सभी अपने अपने इच्छा अनुसार ही विनती करेंगे। देखिए मैं तो सिर्फ बाबा श्याम के आदेश अनुसार आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैंने जो कहा वही आपको बोलना है, ऐसा नहीं है। आप अपने इच्छा से जो आपको अच्छा लगे बाबा श्याम के समक्ष अपने भाव रखिए, बाबा श्याम से विनती करिए, बाबा श्याम की असीम कृपा आप सभी पर बरसेगी, उनकी महिमा अपरंपार, उनकी
महिमा का अभी तक किसी ने पार नहीं लगाया है। बाबा श्याम अभी भी जीवित अवस्था में वहाँ पर बैठ के दरबार से सभी भक्तों को देखते हैं। उनके लिए ऐसा नहीं है कि आप जा रहे हो तो बाबा श्याम आपको नहीं देख रहे हैं। बाबा श्याम के दरबार में जाने के बाद 2-4 सेकंड दर्शन देने के बाद आगे बढ़ जाते हैं और हमें अच्छे से दर्शन नहीं होते, हमें लगता है कि हमने दर्शन ही नहीं किए, बट बाबा श्याम तो आपको देख लेते हैं। जब बाबा श्याम जब आपको देख लेते हैं तभी आपकी काम बनने चालू हो जाते हैं, सारे काम बनते हैं। थोड़ा समय लगता है, किसी को तुरंत मिल जाता है, किसी को थोड़ा देर से मिलता है। सब्र का फल मीठा होता है। बाबा श्याम पे जो भरोसा करता है उसकी नैया एक ना एक दिन जरूर पार होती है। और जब से आप दरबार जाते हो बाबा श्याम के, आपके जीवन में कोई भी कठिनाई होती है तो बाबा श्याम उस कठिनाई को कैसे हल करते हैं यह आपको पता नहीं चल पाता है। तो देखिए, मैंने अपने भाव आपको बता दिए हैं, अब आप अपने भाव बाबा श्याम को बताइए तो बाबा श्याम की असीम कृपा आपके ऊपर बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। कोई भी अनजाने में भूलवंश ज़्यादा या कम कह दिया हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी श्याम प्रेमियों को मेरा जय श्री श्याम। बोलिए हारे के सहारे की जय, शीश के दानी की जय, तीन मान धारी की जय। ओम श्री श्याम देवाय नमः।